उत्तर प्रदेश में इस समय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि ये निकाय चुनाव जाति मजहब को लेकर नहीं बल्कि नगरीय जीवन स्तर को मजबूत करने के लिए है, सपा और बसपा के कचरे को साफ करने के लिए है। ये बात मुख्यमंत्री योगी ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार चेहरा देखकर नहीं बल्कि पात्र देखकर योजना का लाभ देती है। हम सब तुष्टिकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर ध्यान देते हैं। डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है, कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यानी जहां भी आपके लिए नजदीक हो आप वहां की एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ और दूसरी तरफ अयोध्या। भाइयों बहनों, ये दुर्लभ संजोग आज बाराबंकी वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा क्या करती थी, पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। यहां पर जब भी सावन का महीना आता था लोदेश्वरनाथ मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे व्यापक पाबंदियां लग जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कावड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसमें पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर हमने देवा शरीफ के सम्मान के साथ साथ वहां के विकास में सहयोग किया है तो महादेवा के विकास में भी सरकार लगातार योगदान दे रही है। हमने आस्था का सम्मान सबका किया, लेकिन भेदभाव की कोई शिकायत नहीं कर सकता है। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, किसी भी शहर में जाओ कूड़े का डंप पड़ा रहता था, यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा, उनका बयान भी व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है।